योगी टू सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में किसी किसे लाल बत्ती मिलने वाली है और जिलों में अध्यक्ष की कुर्सी पर किन किन की ताजपोशी होने वाली है, इसे लेकर भाजपा में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन तेज हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिलाध्यक्षों का पैनल लेकर एक दिन पहले केंद्रीय हाईकमान से मिल चुके हैं और नामों पर लंबी मंत्रणा कर चुके हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि सब कुछ तैयारियों के हिसाब से चला तो कुछ ही दिन में पार्टी सभी जिलों में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर देगी। इसके अलावा अगस्त के पहले सप्ताह तक लाल बत्ती गिफ्ट भी बांट दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार 2 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त के पहले सप्ताह में संभावित है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बुधवार को ओम प्रकाश राजभर से उनके आवास पर लंबी मुलाकात भी हो चुकी है। राजभर से भेंट के बाद चौधरी दिल्ली गए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जाति समीकरण के लिहाज से राजभर और दारा सिंह के अतिरिक्त भी 2-3 और मंत्री बनाए जाने की संभावना है। चर्चा है कि पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के अलावा पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और पूर्व ऊर्जा मंत्री सीका शर्मा मंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जाते हैं। मथुरा की माठ सीट से विधायक राजेश चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही जुलाई अंतिम सप्ताह से अगस्त के पहले सप्ताह तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई अहम बिंदुओं पर मुलाकात की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए तैयार पैनल और आगामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबी चर्चा की है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि जिलाध्यक्षों के ऐलान की पार्टी में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पार्टी में अंदर खाने हो रही चर्चाओं पर गौर करें तो जुलाई खत्म होने से पहले ही पार्टी राज्य में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की ताजपोशी कर देगी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभावित होने की बात कही जा रही है। जिलों में अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल दावेदार अपनी अपनी जुगत बढ़ाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़े नेताओं के दरबारों में चक्कर लगा रहे हैं।